हेलो फ्रेंड्स, मोनिटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरिया बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, जो मेजरमेंट होता है बैक्टीरिया का, ये हम एक मेथड के थ्रू पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो बेसिकली इसके अंदर हम जो बाइनरी फ्यूजन होता है और जो जनरेशन है, जो बैक्टीरियल जो जनरेशन होती है फ्रेंड्स की, वो कब बर्थ करते हैं, कब उनकी डेड होती है, कि स्टेशनरी फेज जो होता है, ये सारे फेजेस के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सो मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरिया का मतलब ये है, जो बैक्टीरिया सेल इन्वॉल्व होती हैं, वो सेल्स जो उनका रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और उनके सेल कंपोनेंट्स जो होते हैं, टू डॉटर सेल्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स रिप्रोडक्शन, ये क्या है, ये एक सेक्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो इन जो सेल्स के बारे में है, तो जो बैक्टीरियल सेल्स के बारे में है, वो भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो द बैक्टीरियल सेल साइकिल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स थ्रू द रेप्लिकेशन इन डीएनए, पार्शनिंग ऑफ सेलुलर कंपोनेंट इनटू टू डॉटर सेल्स। तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन में क्या होता है कि डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है, रेप्लिकेट करता है जो डीएनए होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो दो डॉटर सेल में कन्वर्टेड हो जाते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स कि दो डॉटर सेल में कन्वर्टेड किस तरीके से होते हैं, जो एक सेल क्या होता है, डिवीजन होते हैं, सेल डिवीजन में जो इक्वल पार्ट में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है और वो दोनों सेल्स डिवाइड होते हैं। सो इन प्रोकैरियोट्स रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज एसेक्सुअल। तो बेसिकली जो प्रोकैरियोट्स रिप्रोडक्शन होंगे, वो होंगे सारे एसेक्सुअल होंगे, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं, ठीक है, डिवाइड होती हैं, दो जो एक सेल है वो दो में डिवाइड होती हैं, फिर दो सेल फोर में डिवाइड होती है, तो सेल डिवीजन होता है, सेल का रेप्लिकेशन होता है इसमें। सो द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ सेल रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया इज अ प्रोसेस कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। तो बैक्टीरिया के अंदर जो रेप्लिकेशन, सेल रेप्लिकेशन का एक जो प्रोसेस होता है, एक कॉमन मैकेनिज्म जो है, वो उसको हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। सो बिफोर डिवाइडिंग दिस सेल ग्रो एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, कि अगर कोई सेल डिवाइड हो रही है, तो उसमें जो कंपोजिशन होगी, कंपोनेंट्स होंगे, सेलुलर कंपोनेंट्स होंगे, वो भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो जब सेल कंपोनेंट्स इंक्रीज होंगे, तो वो सेल डिविजन होगा। सो द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट्स एट द लोकेशन एंड द सेलुलर क्रोमोसोम्स कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो वेयर द क्रोमोजोम इज अटैच टू द इनर सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली क्या होता है, जो क्रोमोजोम्स होते हैं, वो हाफ हाफ क्रोमोजोम्स दोनों में जाते हैं सेल्स में, तो वहाँ पर जो रेप्लिकेशन का जो ऑरिजिन है, साइट है, वहाँ पर क्या है, क्रोमोजोम जो है इनर सेल में, सेल मेम्ब्रेन में अटैच हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ईजिली रेप्लिकेशन हो जाती है। सो रेप्लिकेशन कंटिन्यू इन अपोजिट डायरेक्शन अमंग द क्रोमोजोम्स अंटिल द टर्मिनस इज रीच्ड। तो बेसिकली क्या होगा, जो रेप्लिकेशन होगा वो कंटिन्यूअस अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब क्या होता है कि एक सेल इधर की ओर जा रही होती है और एक सेल इधर की ओर जा रही होती है, तो दोनों का जो रेप्लिकेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे सेल जो है वो डिवाइड होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। सो द सेंटर ऑफ द एनलार्ज सेल कंस्ट्रिक्ट अंटिल द डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, ईच ऑफस्प्रिंग रिसीविंग अ कंप्लीट कॉपी ऑफ द पेरेंटल जीनोम एंड अ डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो मैंने जैसा कि कहा फ्रेंड्स, जो पेरेंटल जीनोम होते हैं, उनके जो जो भी जीन्स होंगे या उनकी जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, वो दोनों में हाफ हाफ इंक्लूड होगा, ठीक है। सो दिस प्रोसेस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल डिवीजन इज डायरेक्टेड बाय अ प्रोटीन कॉल्ड। तो यहाँ पर जो है एक प्रोसेस होता है जो साइटोप्लाज्म के डिवीजन का, वहाँ पर ना एक प्रोटीन यहाँ पर होता है जिसको हम एफ-स्टैट कहते हैं। तो एफ-स्टैट जो होता है, ये प्रोटीन क्या करता है कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म को ये डायरेक्ट डिवीजन करने में हेल्प करता है। और कि जो सेल्स हैं वो कुछ इस तरीके की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो इसके सेल्स हैं वो डिवाइड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक टर्म होता है सेल इलोंगेशन। क्या हो रहा है, ये इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो ये सेल्स है, फॉर्मेशन ऑफ डिवीजन ऑफ सेप्टम। तो यहाँ पे जो सेप्टम है वो क्या है, वो डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का बनता है, ये सेप्टम में ये डिवाइड होता है, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएंगे। एंड देन क्या होगा कि दोनों डॉटर सेल्स
जो ऑफस्प्रिंग होंगे यहाँ पे सेल सेपरेशन हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है बाइनरी फेज। असेंबल इनटू अ जेड रिंग ऑन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो है जेड रिंग असेंबल कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल डिवीजन में आसानी होती है। सो दिस जेड रिंग इज एंकोरेड बाय द एफ शेड बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड डिफाइन द डिवीजन प्लान बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। तो यहाँ पर क्या है कि डिफाइंस करते हैं टू डॉटर सेल्स के डिवीजन में। तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि जो डॉटर सेल्स डिवीजन कर रहे हैं, अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि वो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, पर किस वजह से हो रहे हैं वो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था। तो ये प्रोटीन है जिसके कारण क्या होता है कि ये सेल डिवाइड करते हैं। सो एडिशनल प्रोटीन रिक्वायर फॉर द सेल डिवीजन आर एडेड टू द जेड रिंग टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द डिवीजन। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो एडिशनल प्रोटीन्स भी हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं सेल डिवीजन में। तो क्या है कि यहाँ पर जो जेड रिंग फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनेगा उसको हम डिविज़म कहेंगे, ठीक है। सो द डिविज़म एक्टिवेट्स टू प्रोड्यूस अ पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल एंड बिल्ड अ सेप्टम दैट डिवाइडेड द टू डॉटर सेल्स। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेप्टम्स बन जाते हैं दोनों के डिविज़न होने से पहले, तो यहाँ पर जो पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल होता है वो क्या होता है कि यहाँ पर बिल्डअप हो जाता है और जो सेप्टम है वो डिवाइड हो जाते हैं टू डॉटर सेल्स में। तो द डिवीजन एक्टिवेट्स टू प्रोड्यूस अ पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल एंड बिल्ड अप द सेप्टम एंड डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। तो डिवीजन क्या है कि एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन जो सेल वॉल है वो बिल्डअप हो जाती है सेप्टम में एंड देन ये डिवाइड हो जाते हैं टू डॉटर सेल में। द डॉटर सेल्स आर सेपरेटेड बाय द डिवीजन सेप्टम वेयर ऑल द सेल्स आउटर लेयर द सेल वॉल एंड द आउटर मेम्ब्रेन इफ प्रेजेंट मस्ट रेमोडेल्ड टू कम्प्लीट डिवीज़न। तो बेसिकली क्या होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो डॉटर सेल्स बन रही हैं यहाँ पर कम्प्लीट डिवीज़न होता है कि जितना इसके अंदर जो सेल डिवीज़न के अंदर जितना मटेरियल डॉटर सेल के अंदर है दोनों डॉटर सेल्स के अंदर इक्वल इक्वल मटेरियल्स डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब आता है फ्रेंड्स कि जनरेशन टाइम। तो इनका जो सेल्स का जो जनरेशन टाइम होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो सेल्स डिवीज़न होती है उसका जनरेशन टाइम क्या है। जो जनरेशन टाइम हम पढ़ते हैं, ग्रोथ कर्व पढ़ते हैं, उसका यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये क्या है कि हम इसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। इनके दो सक्सेसिव जनरेशंस होती है, उनके बीच में इनकी लाइफ साइकिल होती है। सो फॉर एग्जांपल में द टिपिकल जनरेशन टाइम फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन इज 25 ईयर। तो बेसिकली क्या होगा, जो टिपिकल जनरेशन होगी ह्यूमन पॉपुलेशन की वो 25 साल होगी, ठीक है। सो दिस डिफिनेशन is not practical for bacteria which may reproduce rapidly or remain dormant for thousands of year. तो basically क्या होगा कि जो definition होगी वो practical नहीं हो सकती है bacteria के लिए, क्योंकि जो reproduce rapidly होता है इनका और dormant होते हैं ये thousand of year dormant होते हैं। so in prokaryotes the generation time is also called the doubling time and it's defined on the time it takes for the population to double through one round of binary fission. तो ये thousand generation क्यों कहा गया friends, thousand time of generation। तो यहाँ पर क्या होगा, generation time हम ले रहे हैं, ठीक है, वो इसमें क्या होता है कि prokaryotic में doubling हो जाती है, ठीक है, doubling time होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो इसकी population है double पॉपुलेशन टू डबल थ्रू वन राउंड ऑफ बाइनरी फ्यूजन। तो वन राउंड ऑफ बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो होती है डबल हो जाती है, ठीक है। सो वेयर इज एक्सक्रीशिया कॉली कैन डबल इन एज लिटिल एज 20 मिनट। तो बेसिकली क्या होगा, जो एक्सक्रीशिया कॉली होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई भी कहते हैं, ये जो बैक्टीरिया है वो ये क्या होती है डबल हो जाती है विद इन 20 मिनट्स में। सो अंडर ऑप्टिकल ग्रोथ कंडीशन इन द लेबोरेटरी बैक्टीरिया ऑफ द सेम स्पीशीज में नीड सेवरल डेज टू डबल इन स्पेशली हराश इन्वायरमेंट। तो बेसिकली क्या होगा कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनको ग्रो करने में काफ़ी कम टाइम लगता है और जिनको ग्रो करने में काफ़ी किसी बैक्टीरिया को ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं। सो मोस्ट पैथोजेंस ग्रो रैपिडली लाइक ईकोलाई बट देयर आर एक्सेप्शंस। तो बेसिकली क्या होता है कि किसी एक्सेप्शन कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो रैपिडली ग्रो कर जाते हैं लाइक ए ईकोलाई। सो फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस
द कॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस हैज़ अ जनरेशन टाइम ऑफ बिटवीन 15 एंड 20 आवर्स। तो बेसिकली क्या होगा फ्रेंड्स कि जो आपने सुना होगा कि ट्यूबरक्लोसिस जो है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है उसका जो कॉजिटिव एजेंट होता है वो ट्यूबरक्लोसिस होता है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, ठीक है। सो हैज़ अ जनरेशन टाइम, इनका जो जनरेशन टाइम होता है 15 से 20 घंटे का होता है, ठीक है। तो 15 से 20 घंटे का इनका एक जनरेशन टाइम पीरियड होता है। ऑन दी अदर हैंड माइकोबैक्टीरियम लैप्रे विच कॉजेज हैंसन्स डिजीज लैप्रोसी, ठीक है, ग्रोथ मच मोर स्लोली विद अ डबलिंग टाइम ऑफ 14 डेज। तो हमारे एक माइकोबैक्टीरियम लैप्रे है, तो ये क्या कॉज करता है, हैंसन डिजीज कॉज करता है, जिसको हम लैप्रोसी भी कहते हैं। तो ये बहुत ही स्लो ग्रो करता है विद अ डबलिंग टाइम 14 डेज, ठीक है। सो द ग्रोथ कर्व, अब हम ग्रोथ कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कि ग्रोथ कर्व में क्या क्या आता है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन क्लोज कल्चर ऑल्सो नोन एज बैच कल्चर, सो इन विच नो न्यूट्रेंट्स आर एडेड एंड मोस्ट वेस्ट इन नॉट रिमूव्ड फॉलो अ रिप्रोड्यूसिबल ग्रोथ पैटर्न रेफर्ड टू एज द ग्रोथ कर्व। तो बेसिकली क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ है ये क्लोज कल्चर में होता है, ठीक है। क्लोज कल्चर का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि हम इसको बैच कल्चर भी बोलते हैं। क्लोज कल्चर के अंदर आप उसमें कुछ ऐड भी नहीं कर सकते और कुछ रिमूव भी नहीं कर सकते। सो इन विच नो न्यूट्रिएंट्स एंड्स आर एडेड, आप कुछ भी उसमें ऐड नहीं कर सकते, कोई न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं कर सकते अलग से उसको ग्रो कराने के लिए, और उसमें जो वेस्ट बन रहा है वो भी आप रिमूव नहीं कर सकते। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सेल पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसकी जो कल्चर की डेंसिटी है वो डिफाइन करती है नंबर ऑफ पर सेल यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सो इन अ क्लोज इन्वायरमेंट द कल्चर डेंसिटी इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ सेल इन द पॉपुलेशन। तो जो क्लोज इन्वायरमेंट है फ्रेंड्स, वहाँ पर जो एक इन्वायरमेंट बनाया गया है वो क्लोज इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर जो कल्चर की डेंसिटी होगी वो मेजर होगी नंबर ऑफ सेल्स, जो पॉपुलेशन होगी वहाँ पे उससे हम उसको मेजर करेंगे, ठीक है। इन्फेक्शंस ऑफ द बॉडी डू नॉट ऑलवेज फॉलो द ग्रोथ कर्व, तो जो इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फेक्शंस ऑफ द बॉडी डू नॉट ऑलवेज फॉलो द ग्रोथ कर्व, तो बॉडी का जो इन्फेक्शन होता है वो ग्रोथ कर्व फॉलो नहीं करता है, बट कोरिलेशंस कैन एग्जिस्ट डिपेंडिंग अपॉन द साइट एंड टाइप ऑफ इन्फेक्शन। तो जो एक कोरिलेशन होता है फ्रेंड्स, जो एग्जिस्टिंग डिपेंडिंग अपॉन टाइम और जो साइट होता है, टाइप ऑफ इन्फेक्शन होता है, उसका कोरिलेशन होता है, ठीक है। When the number of live cells is plotted against time, distinct phases can be observed in the curve. Friends, सबसे first है हमारा the lag phase. तो हमारा lag phase आता है, so the beginning of the growth curve represent a small number of cells. तो यहाँ पर जो lag phase में क्या होता है कि no increase in number of living bacterial cells. Lag phase में बिल्कुल equal चलता है, कोई भी जो यहाँ पर bacterial cells है वो increase नहीं होती है. So refer to as an inoculum that are added to a fresh culture medium, a nutritional growth that support growth. So यहाँ पे क्या होगा कि जो inoculum होता है वो यहाँ पे refer किया जाता है और यहाँ पे add किया जाता है fresh culture medium, ठीक है, grow के लिए. So initial phase of the growth curve is called the lag phase, and during which cells are growing up for the next phase of growth. तो यहाँ पर क्या होगा कि इस फेज के बाद अब अगला फेज आता है ग्रो करने के लिए. सो द नंबर ऑफ सेल्स डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द लैग फेज. सो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैग फेज में कोई भी चेंजेस नहीं आती हैं. हाउएवर सेल ग्रो लार्ज एंड आर मेटाबॉलिकली एक्टिव सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स नीड टू ग्रो विद इन द मीडियम. द ड्यूरेशन ऑफ द लैग फेज इज डिटरमाइंड बाय मैनी फैक्टर्स. So including the species of genetic makeup of the cell, the composition of the medium and the size of the original inoculum. So जो duration होता है lag phase का वो determine करता है यहाँ पर many factors, ठीक है. तो ये जो including होता है, जो species और genetic makeup होता है cells का, ये जो composition and medium होता है, size of original inoculum, ये सारे क्या होते हैं यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स. तो एक ड्यूरेशन होगा यहाँ पे लैग फेस का, ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है, एंड जो जेनेटिक मेकअप होता है सेल्स का वो, एंड द कंपोजिशन ऑफ मीडियम, मीडियम का ही कंपोजिशन होता है,
और साइज ऑफ ओरिजिनल इनोकुलम, ठीक है। सो द लॉग फेज, लैग फेज के बाद जो सेकेंड हमारा आता है वो है लॉग फेज। सो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स, तो यहाँ पर जो लिविंग बैक्टीरियल सेल्स है उनका नंबर क्या है, इंक्रीज होता है। इन द लॉगरिथमिक, जिसको हम लॉग ग्रोथ फेज कहते हैं, समटाइम्स कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज, इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज भी कहते हैं। सो द सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडेड बाय बाइनरी फेजन एंड देयर नंबर इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, तो इनका नंबर क्या है, यहाँ पर लिविंग सेल्स का इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फॉर एनी गिवन बैक्टीरियल स्पीशीज द जनरेशन टाइम अंडर स्पेसिफिक ग्रोथ कंडीशन, सो न्यूट्रंस, टेम्परेचर, पी एच एंड सो फोर्थ, सो इट्स जेनेटिकली डिटरमाइंड एंड दिस जनरेशन टाइम इज कॉल्ड इंट्रेंसिक ग्रोथ रेट। सो क्या अगर फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो गिवन बैक्टीरियल स्पीशीज है उनका जो स्पीशीज ग्रोथ कंडीशन होता है उसमें क्या क्या चाहिए होता है, न्यूट्रंस चाहिए होता है, टेम्परेचर, पी एच, तो इन सारी चीज़ों की क्या होती है, यहाँ पे ज़रूरत होती है। सो जो जनरेशन टाइम है उसको हम कहते हैं कि इंट्रेंसिक ग्रोथ रेट। सेल्स इन द लॉग फेज शो कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट, तो एक कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट शो करता है लॉग फेज और यूनिफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। फॉर दिस रीजन सेल्स इन द लॉग फेज आर प्रीफ्रेंशियली यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड रिसर्च वर्क, तो हम बेसिकली क्या होता है जो लॉग फेज को हम यूज़ करते हैं जो रिसर्च पर्पस होता है, रिसर्च पर्पस वर्क के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। लॉगरिथम ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स, तो एक लिविंग बैक्टीरियल सेल्स का फ्रेंड्स लॉगरिथम होता है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस होता है, आप जानते हैं कि आपने एक्स और वाई एक्सिस पढ़ा होगा, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे चार्ट बनाते हैं एंड देन नीचे आप टाइम देख रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा जो आप नीचे का ये देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, ये हमारा लैग फेज होता है। सो नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स, तो आप एक शॉर्ट फॉर्म में इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं कि किस फेज में क्या होता है। सेकेंड आता है हमारा लॉग फेज जो अभी हमने डिस्कस किया था, सो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स। थर्ड है हमारा स्टेशनरी फेज, अब हम स्टेशनरी फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लेट्यू इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स, रेट ऑफ सेल्स डिवीजन एंड डेथ रफली इक्वल, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो लिविंग सेल्स होंगे और जो डेड सेल्स होंगी वो इक्वल होगी, ठीक है। इसमें क्या था लैग फेज में कि कोई इंक्रीज नहीं हो रहा था लिविंग बैक्टीरियल सेल्स, लॉग फेज में लिविंग सेल्स इंक्रीज हो रहे थे, इसमें क्या होगा स्टेशनरी फेज में कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। डेथ डिक्लाइन फेज में एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स, तो इसके अंदर क्या होगा कि डेथ फेज में एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो जाएगा नंबर ऑफ लिविंग सेल्स। तो यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ लिविंग सेल्स इंक्रीज हो रहे थे और यहाँ पे नंबर ऑफ लिविंग सेल्स डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे इक्वल है और यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि किस तरीके से ये ग्रोथ कर्व हो रहा है, पहले कुछ नहीं है, फिर इंक्रीज हो गया है लिविंग सेल्स जो है, फिर दोनों में इक्वल हो गए हैं डेड और लिविंग। तो क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम, उनका टाइम पीरियड जो लाइफ सेल है वो कम हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सेल्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है। तो ये टाइम पीरियड चल रहा है यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कि हम जो फेजेस डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे ये चार फेजेस हैं। मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, सो एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स इन आ सैम्पल नॉन एज बैक्टीरियल काउंट इज अ कॉमन टास्क परफॉर्म बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट। सो मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कैसे हम चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स होता है सैंपल के अंदर, इसको हम बैक्टीरियल काउंट भी कहते हैं। सो एक कॉमन टास्क होता है एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए कि ये पता करना कि कितने नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट हैं सैंपल के अंदर। सो द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ क्लिनिकल सैंपल serves as a indication of the extent of an infection. तो जितने number increase होंगे वो दिखाएगा कि कितना ज़्यादा infection हुआ है. So quality control of drinking water, food, medications and even cosmetic relies on estimates of bacterial counts to detect contamination and prevent the spread of disease. तो बेसिकली क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, फूड हो गया, आपका मेडिकेशन हो गया, कॉस्मेटिक हो गए, इन सारी चीज़ों में जब आप बैक्टीरियल काउंट्स को डिटेक्ट करते हैं तो आप कंटामिनेशन को प्रिवेंट करते हैं और डिजीज़ को भी स्प्रेड आउट होने से प्रिवेंट करते हैं।
सो फर्स्ट है हमारा जो बैक्टीरियल सेल काउंट होता है उसमें हम डायरेक्ट सेल काउंट करते हैं. सो डायरेक्ट सेल काउंट रेफर टू काउंटिंग दिस सेल्स इन द लिक्विड कल्चर और कॉलोनीज ऑन अ प्लेट. तो जो कल्चर प्लेट होता है, कॉलोनीज होती है, हम उसको काउंट करते हैं डायरेक्ट सेल काउंट के अंदर. सो इट इज़ अ डायरेक्ट वे टू एस्टिमेटिंग हाउ मैनी ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन अ सैम्पल. तो इससे आप डायरेक्ट वे में एस्टिमेट कर सकते हैं तो कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है आपके सैम्पल के अंदर. तो द सिंपलेस्ट वे टू काउंट द बैक्टीरिया इज कॉल्ड द डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक सेल काउंट. तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक सेल काउंट के थ्रू भी आप डायरेक्ट बैक्टीरियल सेल काउंट कर सकते हैं. सो विच इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग अ नॉन वॉल्यूम ऑफ अ कल्चर एज अ कैलिब्रेट स्लाइड एंड द काउंटिंग द सेल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप. तो लाइट माइक्रोस्कोप फ्रेंड्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में. तो ये क्या होता है, जो डायरेक्ट सेल माइक्रोस्कोपिक सेल काउंट होता है इसमें इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफरिंग नॉन वॉल्यूम जो कल्चर होते हैं इनको कैलिब्रेटेड स्लाइड के ऊपर रखा जाता है, कल्चर रखा जाता है एंड देन काउंट किया जाता है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर. सो द कैलिब्रेटेड स्लाइड इज कॉल्ड अ प्रॉपर हाउसर चैम्बर. सो एंड इज सिमिलर टू हेमोसाइटोमीटर यूज टू काउंट रेड ब्लड सेल. तो हेमोसाइटोमीटर जो हम रेड ब्लड सेल्स काउंट के लिए यूज़ करते हैं तो यहाँ पर सिमिलरली उसी तरीके से ये कैलिब्रेटेड स्लाइड उस चैम्बर में रखी जाती है. ठीक है. सो अ सैम्पल ऑफ द कल्चर सस्पेंशन इज एडेड टू द चैम्बर अंडर अ कवर स्लिप दैट इज प्लेस्ड एज अ स्पेसिफिक हाई फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द ग्रिड. तो यहाँ पर क्या होगा, जो सैंपल होगा उस इसका जो कल्चर सस्पेंशन होता है उसको हम चैम्बर के अंदर ऐड करेंगे. ठीक है. और उसको कवर स्लिप से कवर कर देंगे और उसको प्लेस करेंगे जो हाइट होगा उसका सरफेस का ग्रिड के ऊपर, ग्रिड के ऊपर उसको प्लेस कर देंगे, रख देंगे. सो द एडवांटेजेस ऑफ द चैम्बर आर दैट द मेथड इज ईजी टू यूज, रिलेटिवली फास्ट एंड एक्सपेंसिव. सो फ्रेंड्स जो हम ये चैम्बर यूज़ कर रहे हैं इसके एडवांटेज क्या है कि ये तो एक इजी यूज़ है, फास्ट है और इनएक्सपेंसिव भी है. सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर जो आपको चैम्बर दिखाया जा रहा है, आप जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट करते हैं वो इन्हीं चैम्बर्स पे करते हैं. तो यहाँ पर जो सेंटर वाला आपको चैम्बर दिख रहा है यहाँ पर काउंट सेल्स इन दिस स्क्वायर. तो ये जो स्क्वायर है इसको जूम करके हम इसके अंदर क्या है कि बैक्टीरियल सेल को काउंट करते हैं. आपको दिख रहा होगा कि जो यहाँ पे स्क्वायर्स बने हुए हैं उनका साइज भी लिखा हुआ है यहाँ पे एंड यहाँ पे भी मेंशन है फ्रेंड्स. तो इस स्क्वायर के अंदर ये न्यूबर्स चैम्बर बोलते हैं इसको, चैम्बर के अंदर हम इसको बैक्टीरियल सेल को इजीली काउंट कर सकते हैं. प्लेट काउंट. सो द वायबल प्लेट काउंट और सिंपल प्लेट काउंट इज अ काउंट ऑफ वायबल और लाइव सेल्स. तो वायबल प्लेट काउंट और सिंपली प्लेट काउंट क्या होता है फ्रेंड्स कि ये वायबल और लाइव सेल्स काउंट है. ठीक है. तो सीरियल डायल्यूशन. तो द सीरियल डायल्यूशन ऑफ अ कल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप बिफोर प्रोसीडिंग टू आइदर द पोर प्लेट और स्प्रेड प्लेट मैथड. पोर प्लेट मैथड, स्प्रेड प्लेट मैथड क्या होता है फ्रेंड्स? पोर प्लेट मैथड आपने देखा होगा कि जिसमें जो है अगार या आप कोई भी न्यूट्रिएंट्स ले लो उसके अंदर पोर करते हैं. ठीक है. एंड देन स्प्रेड प्लेट मैथड क्या होता है जिसपे आप क्या करते हैं, स्प्रेड आउट करते हैं. सो पोर प्लेट और स्प्रेड आउट स्प्रेड प्लेट मेथड हम इसी को कहते हैं. जो प्लेट आपने बनाई है इसको सॉलिडिफाई होने के बाद आप इस पर स्प्रेड आउट करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, कॉलोनीज होती है, ग्रो होती है और आप उसको काउंट करते हैं. सो द गोल ऑफ द सीरियल डायल्यूशन प्रोसेस इज टू ऑब्टेन प्लेट्स विद CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इन द रेंज ऑफ 30 to 300 and the process usually involves several dilutions in multiples of 10 to simplify calculation. तो यहाँ पे क्या होगा, जो गोल होता है, जो सीरियल डायल्यूशन का एक गोल है जिसमें जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है उसकी रेंज 30 to 300 होती है और जो इसकी यूजली इन्वॉल्व्स है सेवरल डायल्यूशंस है और जो मल्टीप्लाई ऑफ द 10. तो इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा डायल्यूशन आता है, जो हमारे पास रेंज आएगी उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक सिंप्लीफाई कैलकुलेशन के लिए. ठीक है. द नंबर ऑफ अ सीरियल डायल्यूशन इज चूजन अकॉर्डिंग टू अ प्रीलिमिनरी एस्टिमेशन ऑफ द कल्चर डेंसिटी. तो एक जन सीरियल डायल्यूशन है उसके किसके अकॉर्डिंग, जो प्रीलिमिनरी एस्टिमेशन होता है जिसकी कल्चर डेंसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग उसको चूज किया जाता है. सो इलस्ट्रेट द स्पाइरल डायल्यूशन मैथड.
तो यहाँ पर क्या है जो इलस्ट्रेट किया जाता है सीरियल डाइल्यूशन मेथड को, अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कल्चर 1.0 ml इज एडेड टू एंड थ्रूली मिक्सड विद द फर्स्ट डाइल्यूशन ट्यूब सॉल्यूशन, सो विच कंटेन्स 9.0 ml ऑफ स्ट्राइल ब्रॉथ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम कई सारे ट्यूब्स लेते हैं और इसको क्या कहते हैं सीरियल डाइल्यूशन करते हैं। सो फर्स्ट हमारी ट्यूब होगी 9.0 ml, उसके अंदर पहले से ही स्ट्राइल ब्रॉथ होगा एंड देन उसमें हम जो 0.1 ml है वो जो न्यूमरस काउंट है उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। सो दिस स्टेप रिप्रेजेंट अ डाइल्यूशन फैक्टर फॉर 10:1:10 कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल कल्चर। तो इसमें क्या करेंगे हम ओरिजिनल कल्चर से इसको कंपेयर करेंगे और इसके डाइल्यूशंस बनाएंगे। द डाइल्यूशन फैक्टर इज नॉन 1:100 कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल कल्चर। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल अ सीरीज ऑफ डाइल्यूशन इज प्रोड्यूस दैट विल ब्रैकेट द डिजायर्ड सेल्स कंसेंट्रेशन टू एक्यूरेट काउंटिंग। सो फ्रॉम ईच ट्यूब अ सैम्पल इज प्लेट ऑन द सॉलिड मीडियम यूजिंग आइदर द पोर प्लेट मैथड और अ स्प्रेड प्लेट मैथड। सो द प्लेट आर इनक्यूबेटेड एंटिल कॉलोनीज अपियर, 2 to 3 प्लेट्स आर यूजली प्रिपेयर टू ईच डाइल्यूशन एंड द नंबर ऑफ कॉलोनीज काउंटेड टू ईच प्लेट टू एवरेज। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर देख आप 1.0 ml इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर आपने ट्यूब ली है, 5 ट्यूब्स ली हैं। सो ट्यूब न्यूमरस टू काउंट है, इसमें 2 न्यूमरस टू काउंट है, इसमें 389 कॉलोनीज आपको देखने को मिली है। तो हर एक ट्यूब की 3 से 4 प्लेट्स बनेंगी, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करनी है कॉलोनीज काउंट करनी है। तो यहाँ पर रेशियो में बनाया गया है, इसमें से इसमें डाला गया, इसमें से इसमें। तो जैसे जैसे ये आगे डाइल्यूशन होता जाएगा यहाँ पर कॉलोनीज जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा कॉलोनी है कि आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 50 फिर 2 कॉलोनीज ऐसे ही करके क्या होगा कि जैसे जैसे आप इसको पोर करते जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से आप 1 ml निकाल के इसमें डालेंगे, 1 ml निकाल के इसमें डालेंगे, ऐसे करके कॉलोनीज जो भी है वो भी कम होती जाएगी, ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स कम होते जाएंगे। सो फ्रेंड्स ये था हमारा मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो ऐसे काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो आप बैक्टीरियल सेल्स को काउंट कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से आप मेजरमेंट कर सकते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है फ्रेंड्स। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।